कंपटीशन तो ख़त्म हो गया, और पता है जब मैं कंपटीशन जब तक खेलने नहीं गया था, पीछे क्या हुआ, कुछ खतरनाक सा काम हुआ शायद। इस पर हम लोग पता है सर रखते हैं। आई एम सॉरी गाइस, आई नो आप लोग ऐसी स्टार्टिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने वाला था कि कंपटीशन में जब तक नहीं गया था ना मैं, तब तक लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कमेंट्स में, बहुत सारे लोगों ने तो नहीं बट कुछ परसेंट लोगों ने, कि तू शो में नहीं जीत पाएगा, कोई मसल मांस नहीं है तेरे अंदर, तू वहाँ पे खड़ा होगा तो अलग दिख जाएगा कि पतला सा रखा है, हड्डी का ढांचा, बाकी लोग तेरे आगे ऐसे दिखेंगे खतरनाक से, तू पतला दिखेगा, आई डोंट थिंक सो कि इसकी बॉडी अच्छी भी है, इसको लोग ऐसे क्यों करते, बथेरों चीज़ें थी। जब मैं कॉम्पिटिशन की फ़िज़िक रेडी कर ली मैंने, स्टिल लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। जब मैंने कंपटीशन जीत लिया फर्स्ट प्लेस के साथ में, तब लोग अलग तरीके से क्रिटिसाइज़ करने लगे कि ही इज़ नॉट डिज़र्विंग और इस तरीके से। और अब फिर उसके बाद में कंपटीशन खेलने के बाद में जब मैंने रील्स पोस्ट करना चाहिए, ऑब्वियसली मेरा जो हमेशा से मकसद था नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का जो पोटेंशियल है उसको हिट करना, उसका बेंचमार्क सेट करना, उसका बार सेट करना। जब मैं उस चीज़ को मेंशन करके लिखने लग गया नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, तो लोग इस चीज़ में अब नेगेटिव कमेंट्स करने लगे कि ये नेचुरल फिजिक है, हमें सब पता है पीठ पीछे क्या हो रहा है। खैर, नेगेटिविटी तो हर जगह होती है, आपको ढूंढना है उसमें से पॉजिटिव सिचुएशंस, और तुम्हारे यश भाई माहिर हैं इस चीज़ में। खैर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप सभी लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। अभी मैं ले रहा हूँ अपने ईजी टू कुक मसल ब्लेस के चॉकलेट प्रोटीन ओट्स। एंड सुबह पता है जब मैं जल्दी जल्दी में होता हूँ या फिर वर्कआउट के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है ना, सबसे सही ऑप्शन होता है, और ऑब्वियसली ये चॉकलेट फ्लेवर में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एंड दिस न्यू 1 kg पैक इज़ रियली कन्वीनियंट, कहीं पर भी आप ट्रैवल कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। इसके 100 ग्राम की सर्विंग में आपको 21 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। इट्स अ हाई फाइबर मील विथ लॉट्स ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स हमारी गट हार्ट हेल्थ एंड बेटर डाइजेशन के लिए। ये आपको काफ़ी लंबे टाइम तक फुल रखता है। ऑल्सो इसके अंदर काफ़ी सारे गुड फैट्स भी हैं, जैसे चिया सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स, जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो गाइस, मसल बेस से आप जब भी कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं, हमेशा अपने भाई का कोड आनंद30 का यूज़ करके बहुत अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। क्या बोले भैया? शाम को 4 बजे का 3 नहीं पीना चाहिए, आपकी नींद खराब हो सकती है। और क्या वो कौन सा डायलॉग, ऑल द रिस्क आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। Left you deep on my niggas, consider it's pivotal. Chop through the app, make a clap it. Oh, cap it, she tapping it fast. I think that you know they be catching it. Standing 6 feet up, casting a shadow. Well, niggas that talk like they batted, they know that we doubt it. They talk far from actual. I make the way so tsunami. I dare you to paddle it. The trunk steady rattling, blowing top tier to keep my thoughts clear. I see the optimum fear. I'm on my shot, call a big boss shit. I never know the time. I'm never clocking it. Wildflower, I'm like Denzel. I've been the man on fire, bitch. I'm hot lava. You are not scarred, you are proudly. I'm a real nigga to the coffin still. Heart chill from all this talking real. Recent life feel like a highlight reel, currently thumbing through currency. I'm from the avenue, bitch, I'ma get it regardless. I tell little baby to slide with that lotus, pull up with the guard and my guard is down till you come around trying to hold you some. Give a fuck how you feel, I don't owe you nothing. Now you trying to make amends, I'm just trying to get the fortunes, trying to cut my mama fortress, pop my pull up in a Porsche. I used to be quiet, was timid, they used to catch me skipping courses. Now they snap a nigga portrait, hard head but never forced it. I got a pin it and shine like it's supposed to, the way I deliver they post to. My neck got a compass to know where we going. It sound like I'm stepping through portals. I'm off of that poison the devil be calling, but I just ignore it, hit for it. The task force told me go up. KOK, yeah, you asked for it. Wife, the task force told me go up. KOK, yeah, you asked for it. Wife, the task force told me go up. Look. The way that I ball, I should've played for the Big Ten. When I touched stage, but they packed in. Got a pretty thing to make a back bend. Let me see it all through the glass lens. Had some people try to snake if I see you. I'm teed up, I greet you with brass hands. Skate off fast, put a buck on the dash. To somewhere vast, with my feet up, wait, hold up the label. Just call me to tabbing. They just cut the check, so I'm up in the slip. I take for Jay to the neck, then I stretch. To start my day, I hit the cash dance. Niggas is different now, I was down then. But that's all in the past tense. So I can't stop shit till I'm top 10. And I'm not 10, I'm so in love with the process. Not all in the day, but a
took him some time to build Rome. I just copped the crib, never home. No, I can't keep a charge on the phone. So she thinks she in love with a ghost. When I'm home, I make sure that she get what she needs, so she know what I'm capable of. Know my rhythm, cause spar with the pros. They pay me to hear what I'm on, to ask what I'm on. I'm doing great, I suppose. Cause I get to do what I want, it's legit, but it sound like it's straight from the stove. They playing my tape in the field and they treat me like I'm making plays in the fort. But a beat bang with a force, I'm a product of staying the course, yeah. I watch my step on a tightrope. The rate going up at a high slope. I don't gotta work life balance. I'm never throwing a towel in. The pin game hella nice with it. The flow heavy like a hydrant. But it come with a pet and I'm laughing and badgering. All of them boys that won't bite it. I keep my center and shine like I'm supposed to. The way I deliver they post to. I'm going somewhere you ain't seen on no Alice. It look like we stepping through portals. I'm offered a potion the devil been calling, but I just ignored him for it. Task force told me go up. Okay, you asked for it. Just because तुम साइज में सबसे ज़्यादा बड़े दिख रहे हो, जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास में इतने बड़े बड़े बाइसेप्स हैं, डजंट मीन तुम शो जीत जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ड से मसलमीनिया के प्रेसिडेंट के शो डे वाले दिन जो मीटिंग हुई थी उसमें, जिसमें ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए थे। We judge our shows differently. Why do we judge our shows differently? We want to broadcast something that people are going to like. So we have a different judging. Now, what does that mean? When you do judging normally, any other organization, they put you in what they call relative place. Relative placement means who's first, who's second, who's third, who's fourth. That's how they all judge. Normally at our shows, we go on a point system. Those of you seen our website, there's four criteria. जहाँ पर मेरा पूरा का पूरा माइंड बदल गया, मतलब जिस तरीके से मैं स्टेज पर जाने वाला था ना, वो पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया कि मुझे स्टेज पर किस तरीके से जाना है। आज मैं वीडियो बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं शो जीता, मेरा क्या माइंडसेट रहा वहाँ पर, किस तरीके से मैंने पोजिंग को अपने सोचा। जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में सबसे पहली बात उन्होंने यही कही थी कि अगर तुम्हारे बड़े बड़े बाइसेप्स हैं, तुम्हारा साइज़ में बहुत ज़्यादा हो, तुम डजेंट मीन कि आप विनर होने वाले हो शो के। मसलमीनिया शो को, क्योंकि ये नेचुरल शो है, कोई इन्हेंस्ड कॉम्पिटिशन नहीं है जहाँ पर कितना भी बड़ा साइज़, कितनी भी बड़े ऐसे शार्पनेस आ रही है, एक लिमिट होती है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की। जो लिमिट हमें पता है, जजेस को और अच्छे से पता होती है। वहाँ पर जो शो जिनका है, उनको 30-40 साल का एक्सपीरियंस है, उनको हमसे और ज़्यादा पता होती है। तो उन्होंने इस तरीके से कैटेगराइज करके रखा हुआ था एथलीट्स को। सबसे पहली बात यही थी कि यहाँ पर स्टेज पर आते से ही सबसे बड़ा साइज दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है, इस पर जज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हर एक बंदे के 25%, 25%, 25%, 25%, 25% ऐसे चार चीज़ें थी जिनमें डिवाइड किए गए थे मार्क्स। तो मेन पॉइंट्स जिन्होंने मेरे जीतने के चांसेस को बढ़ाया, और अगर आप फर्स्ट टाइम कॉम्पीट कर रहे हो तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी स्टेज पर। पहला पॉइंट जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल था, पोजिंग। पिछले 6 महीने से मैं पोजिंग की प्रैक्टिस करते हुए आ रहा था, और जो मेरा क्लासिक में कॉम्पीट करने का मन था वो मैंने कैंसिल इस चक्कर में किया था क्योंकि क्लासिक की पोजिंग प्रैक्टिस नहीं थी मेरे पास में। मेंस फिजिक की जो पोजिंग प्रैक्टिस की, वो पूरी की पूरी स्टेज पर जिस तरीके से मैंने देखी, मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड था। और मैं बिल्कुल ये नहीं सोच रहा था कि यार इससे बेस्ट क्या ही करता मैं फर्स्ट टाइम के हिसाब से। तो आपकी पोजिंग की जो प्रैक्टिस होती है उसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आप इम्प्रूव करिए, अपने आप को मिरर में देख कर प्रैक्टिस करिए। इसने मेरे जीतने के चांसेस को बढ़ा दिया था। सेकेंड नंबर पॉइंट, कॉन्फिडेंस। आपकी आँखों में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। जो मैंने फॉलो किया, मैं सीधा स्टेज पर आया, मिड में सीधा आगे आने के बाद मैं कॉन्फिडेंस के साथ में जजेस की तरफ देखा और स्माइल किया। ये स्माइल आपको और ज़्यादा से कॉन्फिडेंट दिखाती है कि आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो। और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करी, क्योंकि ये मैं हमेशा, चाहे ये शो हो, नेचुरल शो हो या कोई भी शो हो, ये बताया जाता है कि कभी भी स्टेज पर नर्वस नहीं दिखना चाहिए, स्माइल करनी चाहिए, जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस दिखा पाते हो कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। और इस चीज़ ने मेरी काफ़ी हेल्प की क्योंकि मैं स्टेज पर ज़रा भी नर्वस नहीं था। तो स्माइल हमें लेकर आ जाती है तीसरे नंबर के पॉइंट पर। अब मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको एक सही जगह पर स्माइल करना आना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे एथलीट्स स्माइल करते हुए आ रहे होते हैं, स्माइल करते हुए आगे आते हैं, फिर स्माइल कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये इतना अच्छा नहीं लगता जितना आप एक कॉन्फिडेंट एथलीट बन के सीधे चलते हुए आ रहे हो, बिल्कुल ही जोन इन होके आप आए, आपने पोज किया एंड देन यू स्माइल। ये चीज़ मैंने फॉलो की सीबम से। मैं जब बैक स्टेज था ना, मैं वही वीडियोस देख रहा था बार बार, और जब मैं देख रहा था तो सीबम का जो एंट्री होती है वो एक एग्रेशन में होती है। स्टेज के बीच में आना एग्रेशन में होता है, पोज किया कुछ भी वो एग्रेशन में होता है, एंड देन आफ्टर दैट
जो कॉन्फिडेंस वाली स्माइल होती है वो जजेस को देखकर की जाती है, जो कि मैंने एग्जैक्टली फॉलो की और कहीं ना कहीं उसने काफ़ी मदद की मेरी। फोर्थ नंबर पॉइंट, हाइड योर वीकनेस। अब मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग, मतलब फर्स्ट टाइम स्टेज एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मेरे सारे दोस्त जो भी लोग बैठे थे वो लोग भी बता रहे थे, जो डिफरेंस था, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि वहाँ पे जाके बस पोज करना है। नहीं, आप पोज में अपनी वीकनेसेस भी छुपा सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपका ये पार्ट वीक दिख रहा है, जस्ट हाइड इट लाइक दिस। आपको लग रहा है कि आपका लोअर फैट फिर भी दिख रहा है, आप यहाँ पे ऐसे हाथ रख के पोज कर सकते हो। मैं देख रहा था काफ़ी सारे लोगों का कोई पार्ट अगर वीक दिख रहा है वो उसको और शो कर रहे हैं, जजेस को माइनस मार्किंग करने का टाइम मिल जाता है, वो आपको मार्क्स कम कर देते हैं आपके उस चीज़ में। तो आपको एक तरीका आना चाहिए पोज करते हुए अपनी वीकनेस छुपाने का और अपने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को दिखाने का। जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से दिखाओ। मेरी कोर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वहाँ पर उसी का मैं सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से शो ऑफ कर रहा था। मुझे पता था कि किस तरीके से एब्स को कंट्रोल करके आगे लेकर आना है। मैं अगर सांस भी ले रहा था ना, मेरे एब्स नहीं हिल रहे थे, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। जो हमें पाँचवें पॉइंट पर लेकर आ जाता है, कंट्रोल योर ब्रेथ। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे ही मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबके आगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ मैं। इसकी प्रैक्टिस बहुत की थी सिद्धांत भैया के साथ में, मैंने यही किया, योगा करना, सब कुछ करना। तो अभी मैं बात भी कर रहा हूँ, फिर भी स्टिल मेरा एब्स नहीं हिल रहा है, पता नहीं चल रहा। और देखो स्टेज पे गए, स्टेचू बने, ये लगाया और भी खड़े, कोई ये हाथ नहीं हिलाना, कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सब करोगे तो दूसरे कॉम्पिटिटर से वो कंपेरिजन नहीं कर पाए। मतलब 20-25 सेकंड के लिए सेम पोज में खड़ा, और ज़्यादा भी ऐसे खड़ा रहता था मैं, जबकि मैं क्लासिक में कॉम्पीट नहीं कर रहा था, बट मेरे को पोजिंग की आदत लग जाए, मेरे लेग्स फ्लैक्स हैं, एब्स फ्लैक्स हैं, बाइसेप फ्लैक्स हैं, ऐसे साइड चेस दे रहा हूँ मैं, जिससे केवल ब्रीद होल्ड करने की आदत हो। तो जब मैं मेंस फिजिक में आया ना, जहाँ पर मुझे बस इस तरीके से होल्ड करना था, बहुत ईजी लगा मुझे, मेरी कोर ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं हुई, मैं सांस भी ले रहा था तो बहुत अच्छे तरीके से कोर दिखा पा रहा था, जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो ये ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी होती है। कई लोगों क्या होता है कि वहाँ पर जाते हैं, पोज किया एंड देन वहीं सांस ली, वो पेट बाहर को दिख रहा है, देन वापस सांस अंदर ली, एब्स दिख रहे हैं। जजेस को मौका मिलता है इससे मतलब जो पॉइंट्स होते हैं ना उसको कट करने का। ब्रीदिंग कंट्रोल के टाइम पे मैं वैक्यूम करता था। अब हालांकि मुझे स्टेज पर ये पोज नहीं देना होता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे हेल्प कर रहा होता था वैक्यूम करने में भी। वैक्यूम बहुत देर तक होल्ड करने की वजह से मेरी ब्रीथ पर कंट्रोल होता था। कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई थी चीज़ें, कि ब्रीथ कंट्रोल होगा तो आपके एब्स अच्छे दिखेंगे, आपका ब्रीथ कंट्रोल होगा आप एब्स अच्छे से दिखा पा रहे हो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखा रहे हो। तो ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरे को था, पोजिंग प्रैक्टिस आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं धीरे धीरे करके पहले मेंस फिजिक की पोजिंग ऐसे कर रहा हूँ, फिर इसको ऐसे लेकर आ रहा हूँ, फिर धीरे धीरे ऐसे जा रहा हूँ मैं, फिर मैं घूमता था बैक पोज दिखाने के लिए, लेकिन वो मैं अदा के साथ में इस तरीके से दिखा रहा हूँ, फिर मैं बैक कर रहा हूँ पूरे हाथ को ऐसे लहराते हुए। और आई गेस बाई टाइम ये चीज़ और अच्छी होती चली जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है, और हम वैसे परफेक्ट कभी बनते नहीं, हमेशा सीखते ही रहते हैं। जैसा कि ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर मीटिंग में देखी, वहाँ पर जिस तरीके से लोग बैठे हुए थे, उन लोगों के रिव्यूज सुने, ऑब्वियसली इट्स माय फर्स्ट शो, तो मैं सारे जो पॉइंट्स बता रहा हूँ एग्जैक्टली 100% अप्रूव्ड नहीं है भाई जजेस, बट ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और ये सारे जो पॉइंट्स थे ये मेरे को कहीं ना कहीं हेल्प किए, जिससे मैं स्टेज पर अच्छी परफॉर्मेंस कर पाऊँ। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, अगर आपका फर्स्ट कॉम्पिटिशन आने वाला है, अगर आप कंपटीशन खेलते भी रहते हो, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने फॉलो किए थे और मुझे सीखने को मिले स्टेज से, मेन पॉइंट्स यही थे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों की हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, पीस। यश आनंद साइनिंग ऑफ।